हूँ प्रदेश स्क्वाड, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आई एम बैक अगेन ऑफ कोर्स आपकी फरमाइश पे। आज मैं लेके आया हूँ ये स्पेशल व्लॉग क्योंकि आपकी फरमाइश थी कि राहिम भाई प्लीज़ अपने किया स्पोर्टेज के ऊपर एक व्लॉग बनाए, क्योंकि जैसा मैंने आपको पहले बताया कि उस पर काफ़ी मैंने कस्टमाइजेशंस करवाई हुई थी। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ, जब ये गाड़ी किया स्पोर्टेज मार्केट पे आई थी, ये जो नया मॉडल है, मैं इसको टेस्ट ड्राइव करने के लिए गया और मुझे ये गाड़ी बिल्कुल पसंद नहीं आई। रीज़न बीइंग क्योंकि ये फोर व्हील ड्राइव जो मैंने चलाई थी उस वक्त, फिर बाय चांस मैंने अपनी दोस्त की गाड़ी चलाई किया स्पोर्टेज जो टू व्हील ड्राइव थी और वो मुझे बहुत अच्छी लगी, स्मूथ लगी, लाइट वेट लगी, विच इज़ वाई मैंने ये किया स्पोर्टेज ली। एंड ऑफ कोर्स मेरी भी टू व्हील ड्राइव है। आई थिंक फोर व्हील ड्राइव इज़ फॉर पीपल जो पहाड़ी इलाकों में रहते हैं उनके लिए जस्टिफाइड करती है गाड़ी, लेकिन फॉर सिटी ड्राइव आई थिंक टू व्हील ड्राइव इज़ द बेस्ट ऑप्शन। और उसके अलावा भी जो प्राइस डिफरेंस थी दोनों में, इट वॉज लाइक आई थिंक 4 या 5 लाख का फ़र्क आ रहा था। तो उसमें आई थिंक लेदर सीट्स थी, इलेक्ट्रिक बूट था और एक दो और चीज़ें थी, एंड ऑफ कोर्स फोर व्हील ड्राइव थी। सो आफ्टर सेविंग दैट मनी मैंने उसके आधे पैसे में काफ़ी कस्टमाइजेशन करवा ली एंड आई एम वेरी हैप्पी विद इट। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको कौन सी चीज़ पसंद आई एंड आई होप यू लाइक इट। अजय बैक से शुरू करते हैं। एज यू कैन सी मैंने सबसे पहले ये बम्पर लगवाया, इट गिव्स अ बीफी स्पोर्टी लुक। उसके बाद मैंने जो लाइट्स हैं उसको टिंट करवाई हैं। ये छोटा सा एक स्पोर्ट्स बैज भी लगवाया है, ज़रा शशका वशका यू नो। किया स्पोर्टेज के जो ओरिजिनल व्हील्स हैं वो सिल्वर एंड डार्क ग्रे टाइप आती हैं, लेकिन मैंने उसके ऊपर ब्लैक रैपिंग करवा के गाड़ी के साथ बड़ी एक अच्छी कॉम्बिनेशन बना दिया। और उसके ऊपर से फिर मैंने ये क्रोम भी छोड़ दिया ताकि वो एक हल्का सा क्रोम टच आए। एंड अलॉन्ग साइड ये मैंने फुट रेस्ट मैट ब्लैक फिनिश विद अगेन क्रोम, दरमियान में क्रोम है, साइड्स पे क्रोम है और ये वाइट लाइनिंग है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं फ्रंट पे भी मैंने एक बम्पर लगाया जो वंस अगेन इसको एक बीफी और स्पोर्टी लुक दे रही है। यहाँ से यहाँ तक बम्पर एक्सटेंशन है। इसकी जो जेन्युइन जो क्रोम लाइन होती है वो भी मैंने रैपिंग करके कवर की हुई है ताकि एक ही क्रोम नज़र आए, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्रोम कर दोगे तो वो इतना अच्छा नहीं लगता। अच्छा गाइस, ये तो थी बाहर की कस्टमाइजेशन, लेकिन गाड़ी की अंदर कस्टमाइजेशन दिखाने से पहले मैं आपको थोड़ी सी गुफ्तगू करना चाह रहा हूँ, एक वन टू वन चिट चैट करना चाह रहा हूँ। और वो ये है कि ऑफ़ कोर्स यू गाइस आर लाइक परदेसी स्क्वाड माई फैमिली, तो जो भी मेरे मन में बात होती है मेरा दिल करता है कि मैं आप लोगों से शेयर करूँ। सो जब ये गाड़ी किया स्पोर्टेज सड़कों पर मुझे नज़र आती थी, मेरे दिल में एक बड़ी ख्वाहिश ही होती थी कि यार काश ये गाड़ी मेरे पास हो। सो कहने का मकसद है यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ और हार्ड वर्किंग बनना होगा। कोई भी आपके ड्रीम्स को फॉलो नहीं करेगा क्योंकि आपने खुद करना है। और ये बात मैं बड़ी प्राउडली होकर कह सकता हूँ कि मैंने अपने पेरेंट्स से बिल्कुल भी फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं ली। ऑफ कोर्स उनकी दुआएं जो थी वो मुझे बहुत सपोर्ट की, उन्होंने उनकी दुआओं से इंसान आगे बढ़ता है। जब मैं 16 साल का था तो मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गया था कम्प्लीटली, और ये बात कहने में मुझे शर्म नहीं आती कि मैंने हर काम किया हुआ है, वेदर इज वेटरिंग का काम, डिलीवरी ड्राइविंग, सब कुछ किया हुआ है। एंड ऑफ कोर्स स्टेप बाय स्टेप बंदा प्रोग्रेस करता है, अपनी ड्रीम्स के लिए मेहनत करता रहा, प्रोग्रेस करता रहा। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी हैप्पी टुडे, जो भी मेरे पास है इट्स ऑल ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ वालदैन की दुआओं की वजह से, लेकिन साथ साथ मैंने मेहनत भी बहुत की है। सो अगर मैं ये सब कर सकता हूँ तो आप भी ये कर सकते हैं, बिलीव मी। आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब मैंने जैसे बताया जब ये गाड़ी मैंने देखी और मेरे दिल में ख्वाहिश आई कि ये मेरे पास हो, उस वक्त मेरे पास होंडा सिटी थी एंड बिलीव मी आई वॉज़ वेरी हैप्पी, आई वॉज़ वेरी, मैं बहुत शुक्रगुजार था कि जो भी मेरे पास अल्लाह ताला ने दिया हुआ है मैं बहुत उसमें खुश था। सो द मोरल ऑफ द स्टोरी इज़ आई थिंक कि आपको शुक्र अदा करना चाहिए अल्लाह ताला का कि आपके पास जो भी है, यू शुड बी वेरी ग्रेटफुल। लेकिन ऑफ कोर्स इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने गोल्स अपनी ड्रीम्स के पीछे ना भागें, खूब मेहनत करें, अल्लाह ताला आपको और देंगे इंशाल्लाह। तो ये तो होगी हमारी सेंटिमेंटल सी बातें, तो आइए अब आपको गाड़ी के अंदर लेके चलता हूँ। अच्छा और गाइस, तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि स्टीयरिंग व्हील पे मैंने ये लेदर कवर चढ़ाया हुआ है, इट्स प्योर लेदर और इससे एक लग्जरी फील आती है स्टीयरिंग व्हील पे और इससे ग्रिप भी बड़ी ज़बरदस्त मिलती है।
और इस पे मैंने एक सिल्वर रिंग भी लगाई हुई है जो कि बाकी स्टीयरिंग व्हील से मैच करता है। ये मैंने बड़ी अच्छी क्वालिटी की LCD स्क्रीन लगाई है क्योंकि किया स्पोर्टेज के साथ जो स्टैंडर्ड LCD आती है वो मुझे कुछ खास नहीं लगा, और क्योंकि मैं मूवीज़ का बहुत शौकीन हूँ ये तो बदलना बनता था। और इसके ऊपर आप देख सकते हैं एक छोटा सा क्लॉक लगाया है, और मैंने पीछे भी 12.5 इंच के 2 LCD पैनल्स लगवाई हैं ताकि लॉन्ग जर्नीज में बच्चे बोर ना हो। जो गाड़ी के साथ स्पीकर आते हैं वो बहुत ही नॉर्मल साउंडिंग थे, मैंने इनको भी चेंज करवा दिया। मैं ये नहीं कह रहा कि अपने गाने मोहल्लों वालों को सुनाना चाह रहा हूँ, लेकिन साउंड की क्वालिटी तो होनी चाहिए ना। और मैंने लगाए हैं JBL क्लब 602। यहाँ पे मैंने सारी स्टाइलिश किस्म की एम्बियंट लाइट करवाई है जो कि मैं आपको नाइट मोड में दिखाऊंगा। मेरी इस चीज़ से लोग बहुत फैसिनेट होते हैं, यह है किया का टिश्यू बॉक्स जो कि सनशेड के साथ ग्रिप हो जाती है, वरना अक्सर गाड़ी का टिश्यू बॉक्स रुलता ही रहता है। यह है मैक्सिमस का सुपर सॉफ्ट हेड कुशन जो कि गर्दन को आराम दे, थोड़ी बुड्ढी अकड़े या नहीं लेकिन थोड़ी गर्दन नहीं अकड़ेगी, स्पेशली फॉर लॉन्ग ड्राइव्स। मैंने अपनी चाबी के ऊपर क्रोम की का कवर लगाया हुआ है, इससे चाबी स्टाइलिश भी लगती है और प्रोटेक्टेड भी रहती है। और यह है किया स्पोर्टेज के LED सिल पैनल्स जो मैंने हर दरवाजे पर लगवाए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि फ्लोर मैट्स भी मैंने मैचिंग रखे हुए हैं इंटीरियर के साथ। और अभी आप यही सोच रहे होंगे कि बोनट के अंदर क्या है। That's a secret. Guess I ain't no one to blame. What's done is done, won't change. Time to live up to my name.